हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, एक ऐसी रेसिपी जो हमें बहुत पसंद है और अगर नाश्ता हो तो ऐसा हो टाइप की रेसिपी है। आज बनाते हैं सिंधी दाल पकवान। आई थिंक बहुत कम रेसिपीज ऐसी हैं जो एक कल्चर को ऐसे सेलिब्रेट करती हैं ऐसे दाल पकवान करता है, ठीक है जी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रेसिपी सीखेंगे, कुछ बारीकियाँ समझेंगे और सिंधी कल्चर का एक स्नीक पीक प्रीव्यू टाइप आपको दिखा देंगे, ठीक है। शुरू करें म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, सिंधी दाल पकवान बनाने के लिए आपको चाहिए दाल और पकवान बनाना पड़ेगा। और दाल जो है वो चने की है और दाल, देखो मैं अपने आप को चुटकुले सुनाता रहता हूँ। दाल जो है वो चने की है और सोक करी हुई है, ऐसे सोक करी हुई है कि दाल के बीच में दाना ना रहे। मतलब आप दाल को ऐसे तोड़ें तो टूट जाए और बीच तक भीग गई हो। बीच में अगर दाना रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा और तमाम वो चीज़ें हो जाएंगी कि आपको कहना पड़ेगा कि रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है। दाल को सोक करना इम्पॉर्टेंट। उसके बाद करना है जी दाल को बॉयल। हमें बहुत बोला जा रहा है कि रणवीर नए नए बर्तन लेकिन कुकर वही पुराना। उसका जवाब हमारे पास सिर्फ एक ही है कि बदल जाए चाहे जमाना, कभी मत बदलना अपना कुकर पुराना। दाल पकवान में घरों में जब बनाया जाता है तो उसमें चने की दाल इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आप बाहर चले जाएं तो बहुत किस्म के दाल पकवान होते हैं, खासतौर मूंग और चने का दाल पकवान। उसमें क्या है, साबुत मूंग, कई लोग साबुत मोठ डाल देते हैं, उबले हुए साबुत मोठ डाले और एकदम मूंग दाल एकदम पेस्ट जैसी डाल दी। तो बेसिकली आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, तीन किस्म की चार किस्म की दालें उबाल के, स्ट्रीट स्टाइल है ये, जो है एकदम होम स्टाइल है, घर पे जो बनाया जा सकता है जिसमें स्वाद भी पूरा आए, मज़ा भी पूरे आए और पैसे भी वापस ना देने पड़े, वैसा वाला सीन है, ठीक है जी। अगर वो पेस्ट वाला दाल पकवान बनाना है तो फिर धुली मूंग लीजिए, उसका पेस्ट अच्छा बनता है ना, चिकनाहट अच्छी होती है, लेकिन उसमें टेक्स्चर के लिए फिर आपको साबुत मूंग डालनी पड़ेगी। चने दाल में जो है वो दोनों काम हो जाते हैं, एक लिसलिसापन भी आ जाता है और एक बॉडी भी मिल जाती है, इसलिए घरों में चने दाल का इस्तेमाल होता है। एक बार में लग गया, कुकर की तारीफ कर दी ना, पुराना होने पे वो क्या बोलते हैं, इतरा दिए हम, तो इसलिए कुकर एक बार में लग गया ढक्कन। तो ये हो गया जी दाल का प्रोग्राम शुरू। अब करते हैं पकवान का प्रोग्राम शुरू। सूजी, सॉल्ट, थोड़ा जीरा और थोड़ी अजवाइन। अजवाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तली हुई चीज़ हाजमे में मुश्किल हो जाती है ना, तो अजवाइन उस चीज़ में हेल्प करती है, गैस नहीं बनने देती। और मोइन जो है वो तेल का डालेंगे, घी का मोइन नहीं डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे ना बहुत खस्ता हो जाएगा, ज़्यादा खस्ता नहीं करना उसको, क्योंकि इसको आप बहुत पतला बेलना चाहते हैं ना बाद में चपाती की तरह, तो अगर मोइन ज़्यादा हो जाएगा तो पतला नहीं बेलेगा, भुरभुरा हो जाएगा। ये हर चीज़ का कारण है, चीज़ वो चीज़ नहीं। दाल को सिर्फ एक सीटी दूंगा मैं, ठीक है। कारण ये है कि दाल को जब तड़का लगाएंगे ना तो कढ़ाई में पकाएंगे, यहाँ पर सिर्फ गलाने से मकसद है। कुछ लोग क्या करते हैं, दाल गलाते समय बेकिंग सोडा डाल देते हैं, खासतौर दाल पकवान की दाल। बेकिंग सोडा दो चीज़ होती है, एक तो हल्की सी मिठास वाला टेस्ट आता है जो दाल पकवान की दाल में चाहिए होता है, और दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दाल जो है वो अंदर तक गल जाती है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं छोड़ती। जब बंध रहा है ना ऐसे, डो बंधना चाहिए और फिर ऐसे छूटने पर ऐसे बिखरना चाहिए। पुराने टाइम में यही सब तो होते थे अंदाजे, फिर हमने मेजरमेंट ये वो सब कुछ लेके आए और पुराने लोगों को कन्फ्यूज़ कर दिया, खासतौर हम सफ़ेद जैकेट वाले शेफों ने। गूंधते समय ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठंडा पानी जो है मैदे को जल्दी बांध देगा और लचक देगा, लेकिन ग्लूटन फॉर्म नहीं होने देगा। ग्लूटन जो है जिससे कि च्यूइनेस आ जाएगी इस डो में, वो फॉर्म होता है स्लाइटली हायर टेम्परेचर्स पे। तो जब हम ग्लूटन ज़्यादा फॉर्म नहीं करवाना चाहते तो हम डो से ज़्यादा काम नहीं करवाते, मतलब डो को ज़्यादा गूंद गूंद के उसकी जान नहीं लेते, और दूसरा ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी बह रहा है रणवीर बरार, क्या कर रहे हैं आप। सिंधी कल्चर की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वेस्ट कुछ नहीं होता, मतलब पुरानी ब्रेड उसकी कितनी बढ़िया वो भाजी बन जाती है, रोटी को सुबह सुबह फ्राई करके, क्या मतलब सिंधी कल्चर में ना ये बहुत खूबसूरत बात है, चीज़ कभी बर्बाद नहीं होने देते। इसलिए कहता हूँ ज़िंदगी में सबको
थोड़ा मुश्किल टाइम देखना चाहिए, कदर है आती चीजों की। और अगर आपको रोटी की कदर समझनी है ना, तो किसी सिंधी घर में जाइए। हंसते खेलते कहने वाली बात नहीं थी, लेकिन हंसते खेलते कह दी, इसलिए आपको याद रहेगी, है कि नहीं? बस यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी। मजाक सीरियसली करो और सीरियस बातें मजाक में बोलो। देखिए, यहां पर समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ही वक्त के साथ आप इसको छोड़ेंगे तो मैदा जो है वो ढलेगा, लेकिन सूजी जो है वो पानी खींचेगी। तो नॉर्मली मैं कहता हूँ डो को ढलने दीजिए, यहाँ पे डो ढलेगा नहीं, कंसिस्टेंसी लगभग सेम रहेगी। सूजी जो है वो पानी खींचेगी, मैदा ढलेगा। ओवरऑल जिस कंसिस्टेंसी पे आपका डो अभी है उसी कंसिस्टेंसी पे रहेगा। अब जी चटनी की तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है जी। मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो सिंधी स्टाइल की मिंट चटनी, अदरक, पुदीना, खटास के लिए इमली भी डाल सकते हैं, कच्चा आम भी डाल सकते हैं, विद छिलका या विदाउट छिलका। मुझे जो है वो छिलके का एक रॉनेस जो होता है ना, अच्छा लगता है अपनी चटनी में। जिनको नहीं लगता वो निकाल लें, जिनको कैरी के साथ छिलका खाना पसंद है वो रहने दें। कभी भी कोई हरी चटनी बनाए तो उसके अंदर थोड़ा ऑयल डालने से ऑक्सीडेशन नहीं होता, हरी चटनी जल्दी काली नहीं होती। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंधी घरों में पुरानी ब्रेड होती है ना, डबल रोटी, वो पुरानी डबल रोटी को दाल पकवान की दाल में सोख करके और ऐसे निकाल के ऊपर दाल डाल के वैसे ही खा लेते हैं, है? सैंडविच बना लेते हैं। वो बची हुई डबल रोटी ली, उसको दाल के अंदर डाला, पुरानी मतलब बची हुई रोटी में अगर किसी कल्चर ने डिप्लोमा नहीं PhD करी है ना, वो सिंधी से। एक काम करते हैं, एक ट्रिप ले लेते हैं, उल्लासनगर का ट्रिप लेते हैं, साथ में बात करते हैं कि ये कम में ज़्यादा का कल्चर सिंध में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, बनता है, है? विभाजन के बाद जब सिंधी हिंदुस्तान आए तो मुंबई के बाहर कल्याण में एक गांव में उनको जगह दी गई, वहां पर आर्मी बैरक्स थे और आज वो जगह एक शहर जिसे उल्लासनगर कहते हैं। और अगर किसी को एक छोटा सा सिंध हिंदुस्तान में देखना है तो वो उल्लासनगर में दिखता है। वो पहली अखंड ज्योत, वो झूलेलाल की ज्योत जो पार्टीशन के बाद इंडिया आई, वो यहाँ चलिया साहब में बसी हुई है और उस ज्योत के आजू बाजू हैं 4 लाख सिंधी। आज अगर आप उल्लासनगर में कहेंगे कुछ मेड इन USA चाहिए तो उसका मतलब होगा उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। और ये सिंध सिर्फ मंदिरों में, कल्चर्स में, ट्रेडिंग में, कपड़े की दुकानों में ही नहीं दिखता है, ये सिंध दिखता है खाने में। और अगर उल्लासनगर की इस 6 दशक की हिस्ट्री को महसूस करना है तो आई थिंक हर एक को एक बार उल्लासनगर जाना चाहिए और दाल पकवान खाना चाहिए, क्योंकि उस दाल पकवान में स्वाद तो है ही, साथ ही एक छोटा सा सिंध है, उल्लासनगर की रेजिलियंस है और उल्लासनगर की मौज है। चटनी हो गई, दाल हो गई, अब क्या करना है? पहले आप चटनी पीस लाइए, फिर बाकी का काम शुरू करते हैं, प्लीज। थैंक यू। दाल अब देखिए क्या खूबसूरत तरीके से उबली है, दाल गल भी गई है लेकिन हलवा भी नहीं बना है, लेकिन मीटीनेस भी पूरी है, ठीक है जी। और दाल सोख बराबर होनी चाहिए, बस मोनोपोली यही है मेरे लिए। दाल पकवान में बीच बीच में दाल का अगर दाना ना आए ना तो कोई फायदा नहीं है। इसको हल्का सा गाढ़ा करना है लेकिन दाना नहीं टूटना चाहिए। मुझे मजा तब आता है जब चने की दाल में दाना हो। अगर आप सिर्फ चने की दाल का दाल पकवान बना रहे हैं तो दाल का हलवा नहीं बनाना, थोड़ी खड़ी दाल और थोड़ी पिसी दाल, ये मिक्सचर आना चाहिए, मजा वही है। कुछ लोग जो हैं वो दाल पकवान में टमाटर भी डालते हैं खट्टा करने के लिए, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, हल्की सी खट्टी मीठी होनी चाहिए दाल भी,
लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे तो ऐसी कोई आग नहीं लग जाएगी, अमचूर रख लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद अदरक, साबुत लाल मिर्च, धनिया की डंडी, हल्का सा धनिया पाउडर, हल्की सी हल्दी और मिर्च। भूनने के तुरंत बाद बगैर वक्त बर्बाद किए हल्दी का कच्चापन गया और ये डाल दिया। छोड़ना कुछ नहीं है, सिंधियों के घरों में छूटता कुछ नहीं है भाई। थोड़ा गर्म पानी स्टैंड बाय रखें, अगर आपको लगता है कि दाल ज़्यादा गाढ़ी हो रही है थोड़ा गर्म पानी डाल लें। हल्का सा अमचूर खटास के लिए, अभी नहीं डालूंगा एक्चुअली, बाद में डालूंगा। थोड़ी हल्की सी कड़वाहट आ जाती है अमचूर की, कड़वाहट नहीं एक मेटालिक टेस्ट आ जाता है, राइट। तो दाल अगर काढ़नी है और कुकर में कड़ रही है तो अंदर से आवाज आती है रणवीर ब्रदर क्या हो रहा है ये। हल्की सी खटास जरूरी, खट्टा जो भी डाले लास्ट में डालिएगा, क्योंकि एक बार खट्टा पड़ गया तो दाल नहीं ना पकेगी। अब करो इसको तलने की तैयारी। तलने के लिए ये डालो तेल और निकालो अपना पकवान का डो। ये डो जो है ना अभी परफेक्ट हो गया ये, हाँ मतलब जब डो गूंधें तो उसको ज़्यादा पतला ना करें और ज़्यादा मोटा भी ना करें। देखिए आप निकालेंगे ना तो श्रिंक करेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा ही बनाएं और बराबर बेलने की कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं पकवान जो है एक बड़ी पापड़ी होता है, नहीं पकवान एक बड़ी पापड़ी नहीं होता, ठीक है। पकवान थोड़ा थोड़ा फूलना चाहिए, इसलिए होल कर रहे हैं इसमें, लेकिन चाहे आप ऐसे हाथ से कर लीजिए या फिर फोक से कर लीजिए। पहले पकवान में शेप आने दीजिए फिर पलटिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूड़ी नहीं है तो वक्त दीजिए, जब नीचे से शेप आ जाए, रंग आ जाए, उसके बाद पलटने के बारे में सोचिए। और मुझे ऐसे ना हल्के हल्के फूले फूले अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा होल नहीं करता। अगर आपको बिल्कुल एकदम फ्लैट बनाना है तो आप बना सकते हैं, अच्छे से होल कर सकते हैं उसके अंदर। देखिए दाल पकवान को समझने के लिए सिंध को समझना बहुत ज़रूरी है। सिंध जो पाकिस्तान में है उसमें बहुत गर्म इलाका था, गर्म हवाएं चलती थी, तो बची हुई रोटी जो बाहर रख दी जाती थी वो बिल्कुल क्रिस्प हो जाती थी और उसे टिक्कड़ कहते हैं। और आज भी अगर आप पुराने लोगों से कहें तो वो दाल टिक्कड़ ज़्यादा पसंद करते हैं दाल पकवान से। तो वो टिक्कड़ जो होता था उसको लेकर उसके ऊपर फिर थोड़ी सी गीली सूखी दाल डाल दी जाती थी, दाल जो है हल्की सी गीली डाली जाती थी ताकि वापस से रोटी सौगी हो जाए, पुरानी रोटी में एक किस्म से जान आ जाए। और वो दाल टिक्कड़ दाल पकवान का ओरिजिनल रूप है। बाद में फिर थोड़ा अमीरों के लिए जब ये डिश बनने लगी तो फिर उसमें देसी घी आ गया, और पकवान जो नाम है ना वो थोड़ा रॉयल है तो इसलिए उसका नाम जो है वो पकवान हो गया। थोड़ी महंगी चीज़ सुनने में हो गई, लेकिन उसकी जो बिगिनिंग है वो एक बहुत ही हम्बल गर्म हवा में सुखाया हुआ बची हुई रोटी का टिक्कड़। एवरीबडी हैज टू नो दिस, है ना। आमतौर पर दाल के ऊपर आप थोड़ा घी डाल सकते हैं, घी के अंदर थोड़ी हींग डाल के भी वापस ऊपर से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा घी ज़रूर डालूंगा, बिकॉज सिंध और पंजाब जहाँ मिलता है वहाँ घी की बात अगर ना हो तो सब कुछ गलत गलत सा लगता है। हल्के से घी से क्या होता है ना वो दाल का रूखापन मर जाता है। मेन चीज़ जो है ना ये दाल का खड़ापन बहुत ज़रूरी है। दाल जो है कच्ची नहीं है लेकिन दाना आ रहा है बीच में। अरे वो चटनी हो गई क्या? थैंक यू। हाँ सही बात, ये देखिए फर्स्ट क्लास। ओहो गुड प्लस मैंगो इज इक्वल टू मैजिक। और देखिए रंग कैसे बना हुआ है, इतनी देर हो गई फिर भी बना हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने डाला है ऑयल जो होने नहीं दे रहा है ऑक्सीडेशन। देखिए अब दाल पकवान को सेलिब्रेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दाल पकवान पिज्ज़ा बना सकते हैं। आजकल बड़ा फेमस है साहब, ऐसे दाल डाल देते हैं नीचे, ऊपर चीज़ डाल देते हैं ग्रेट करके
और ढेर सारे आलापिनियों और ये सारे तमाम चीज़ें डाल देते हैं। जिन लोगों को लगता है कि यार ये तो फ्राई वाला काम नहीं करना है, उनको इसी दाल में डबल रोटी डुबो के खिला देते हैं। तो चीज़ वही है, या फिर पकवान को तोड़ लिया, क्रश कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर ऐसे दाल डाल दी, कचुम्बर डाल दिया, चटनी डाल दी, और फिर उसको कह देते हैं दाल पकवान नाचोस। ओह मैं कहा जी मोनोपोली। अगर सिर्फ हरी चटनी भी होती ना बहुत था, हमने ऑलरेडी वो कच्चा आम खटास के लिए, गुड़ मिठास के लिए डाल दिया ना, मोर देन इनफ। रेडी? अनबीटेबल। सारे पिज्जे फेल है, जाइए बनाइए, यहाँ हमारी सेहत को नजर मत लगाइए। सब कुछ तो बता दिया हमने, टेक्निक बता दी, हिस्ट्री बता दी, सेलिब्रेशन बता दिया, बच्चे की जान लगी है, बनाइए।